नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। देश के सबसे विश्वसनीय चुनावी शो 2024 कौन जीतेगा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में 236 दिन अब बाकी रह गए हैं। देश की सियासत में इंडिया वर्सेस भारत की अब नई जंग शुरू हो चुकी है। आज शो में बात पाकिस्तान से आई सीमा की, देश में इंडिया पर सियासत की और नीतीश कुमार के सस्पेंस की। लेकिन सबसे पहले 24 की खबरों को धार देते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इंडिया शब्द पर नहीं बल्कि इंडिया के डी फॉर डेमोक्रेटिक शब्द पर थी आपत्ति। नीतीश के सुझाव के बाद डी फॉर डेवलपमेंट किया गया, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक, मुंबई में होने वाली बैठक में ऐलान संभव। नाराजगी की खबरों पर बोले नीतीश कुमार, मैं नहीं हूं नाराज, मेरे सारे सुझाव माने गए, राजगीर जाना था इसलिए लौट आया जल्दी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार, सभी की सहमति से दिया गया इंडिया नाम, सूत्रधार कभी नहीं होते नाराज। इंडिया नाम पर सियासी संग्राम हुआ तेज। उद्धव गुट के संजय राउत बोले, इंडिया नाम पर विवाद करने वाले देशभक्त नहीं। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का पलटवार, इंडिया को बताया ब्रिटिश नेम, ट्विटर के बायो में इंडिया हटाकर भारत किया। बिहार के पूर्व सीएम और एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी ने इंडिया नाम पर जताया एतराज, कहा देश के नाम पर नहीं होना चाहिए गठबंधन का नाम, पूरे देश ने माना मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष के गठबंधन पर मायावती का वार, कहा कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ गठबंधन कर रही है, महागठबंधन सिर्फ सत्ता पाने का रास्ता, विपक्ष सत्ता में आने का सपना देख रहा है। बीजेपी की जांच कमेटी ने पटना में हुए लाठीचार्ज की घटना की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा के खिलाफ बीजेपी का कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबा प्रदर्शन, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और सांसद लॉकेट चटर्जी भी शामिल हुई। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। कल से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से की मुलाकात। देखिए, देश में चुनाव है इसीलिए सीमा पर तनाव है। बात सरहद की नहीं, सरहद पार से आई उस सीमा की जो देश की सबसे बड़ी सनसनी बनी हुई है। सीमा का सच क्या है? सीमा प्यार में पागल एक सामान्य महिला है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जासूस? सीमा को लेकर अब देश की सियासत भी गर्व है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।